तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ में है कमलेश भाई और श्रवण काकू है, जिनका ट्रैक्टर है ये 4x4 है। इसका क्या नाम है? कोबोटो। ये 4x4 है तो इससे निकाला गया है मोर पुलाव। ये मोर पुलाव है जो 4x4 से निकाला गया, तो इसके ऊपर से धुरा बिल्कुल निकला है। ये कह रहे हैं अंकल जी के इसके ऊपर होकर धुरा निकला 4x4 है। और ये निकालने के बाद में उन्होंने निकाला हीरा। हीरा टेस्ट किया पहले 2 व्हीलों पे, फिर गया 4x4 पे। पहले इस पे 2 टायरों पे चला रहे थे लेकिन नहीं चल रहा था। इसके बाद में 4x4 किया तो वो हीरा सही से निकला और उसमें भी लगा है। और मोर पुलाव निकालने के बाद में इतना दौड़ निकल गए और मिट्टी के, जिसके वो ट्रैक्टर चल भी नहीं पा रहा था। तो जो ये हमारे ट्रैक्टर है, महिंद्रा है 475, ये इस वो चल नहीं पाते हैं। तो ये 4x4 है जो कोबोटो ट्रैक्टर है, ये देख सकते हैं आप, 45 45 हॉर्स पावर का है और इसका एवरेज भी बहुत तगड़ा है। 3.5 लीटर, 3.5 लीटर का बता रहे हैं। इन्होंने कल डाला था 2500 का तेल और इसके बाद 5 घंटे तो चला के आ गया। ये 5 घंटे तो चला के आ गए और तेल अंदर और है। 3 घंटा तो चला है वो मोर पुलाव और 2 घंटे ऊपर चला है ये हीरा, जिसमें 2-3 बार हीरा निकाला है और 1 बार मोर पुलाव निकाला है, लेकिन तेल अभी भी अंदर है। और इसमें तेल का एवरेज भी बहुत अच्छा है। वहां से रुकाड़ा से लेके आया, रुखाड़ा से लेके आए हैं, यहाँ से कम कितने किलोमीटर का? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर है। तो वहाँ से तेल डलवा के यहाँ पे 15 किलोमीटर वो हो गया और 5 5 घंटे ये लगातार। और हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर ये आने जाने का, 4 किलोमीटर भी ये हो गया, तो 20 किलोमीटर तो अभी चल दिया है और 5 घंटे ये, तो 2500 का तेल। तो ये एवरेज आप बताए कि कितना सही है या गलत है? इतना तो हमारे यहाँ जो लोकल ट्रैक्टर है हमारे यहाँ पे ये समीपुर सिगवज में, तो यहाँ पर भी 3 साढ़े 3 लीटर तो ये भी खा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैंने इसको ट्रैक्टर को इतना दबाया फुल मार में, फिर भी ये इतना अच्छा 3 साढ़े 3 से ऊपर तेल नहीं खाया इस ट्रैक्टर ने। और 4x4 है, अभी मैं आपको बता देता लेकिन अभी हमारे क्या खेत में सब कड़ाई की हुई है तो अभी मैं आपको खिड़ाई करके बता नहीं सकता। लेकिन इनके यहाँ पे दिया हुआ है, आप किसी ने देखा नहीं होगा 4x4 ट्रैक्टर कैसा, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। यहाँ पे अलग से पाइप दिया हुआ है, ये वाला है, ये अभी पूरा निकल गया है यहाँ से। ये है जो यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है पूरा यहाँ से आगे तक है, जो यहाँ से पूरा ये चलता रहता है आगे वाले को भी। और यहाँ पे इनके घेर है अलग अलग, यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों ये है 4x4 का, ये ऐसे करते ये 4x4 हो गया। अभी ये 2 व्हील पे जो पीछे वाले टायर है उनको ताकत करते हैं और ये जितना आगे चलता है उतना ही पीछे भी भागता है। जितना आप आगे भगाओगे, जितने स्पीड में आगे भगा रहे हो उतने स्पीड में ये पीछे भी भाग सकता है। अभी मैं इनको स्टार्ट करके मैं लेके आ रहा हूँ। अभी हम आपके बात अब चल के बता रहे हैं तो आप चलिए ऊपर आ जाइए। Thank you.